देखिए दोस्तों अभी टमाटर डाल रही हूँ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। ऊपर वाला की जोड़ी ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। मैं अच्छा हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छा रहें, खुश रहें, अपने अपने ज़िंदगी में मस्त रहें, खुशियाँ बाँटें। देखिए दोस्तों, सुबह की 8 बज रहा है। मैं सुबह सुबह आई हूँ तरबूज बारी में, वो साग लेने के लिए। वो निकलता है वो बारी में, वो करेला का बारी में, उधर में बीम से, उधर में एक हम लोग का इधर में ट्राइबल साग है, उसको तोड़ के लेके आज उसका रेसिपी बनाऊँगी दोस्तों। बहुत बढ़िया लगता है क्योंकि हम लोग का सब्ज़ी थोड़ा वो लौकी काल भी खाए थे, आज भी है, सब्ज़ी नहीं है इसीलिए लेने के आई हूँ। इसीलिए देखिए मेरे चारों तरफ का नज़ारा, मॉर्निंग का लोकेशन कैसे है दोस्तों, बहुत बढ़िया है। देखिए देखिए दोस्तों, मैं ये साग को तोड़ रही हूँ, पूरा बढ़िया है दोस्तों ये वाला साग। ये साग को तोड़ के लेके जाऊँगी, फिर इसका सब्जी बनाऊंगी दोस्तों। बहुत अच्छा है दोस्तों ये वाला साग को तोड़ के लेके जा रही हूँ। करेला भी बहुत ज़ोर से लगा है, देखिए ये वाला साग को तोड़ के लेके जा रही हूँ। इधर में है दोस्तों, करेला भी हो गया, हम लोग का सैटरडे को तोड़ेंगे करेला। ये साग को थोड़ा लेके जाऊंगी, फिर और दूसरा साग है उसको मिलाऊंगी, थोड़ा सा लेके जाऊंगी दोस्तों, ज़्यादा नहीं, कम कम हुआ है, ज़्यादा नहीं है, ढूंढना पड़ रहा है। ये देखिए दोस्तों ये वाला साग को तोड़ के लेके जा रही हूँ। यहाँ खोजना पड़ रहा है, ढूंढना पड़ रहा है क्योंकि नहीं है उतना है, लेकिन फूल गया दोस्तों, बड़ा बड़ा हो गया, अभी बहुत सारा करेला हो गया है। अभी देखिए ये वाला साग को तोड़ के लेके जाऊंगी, बहुत ही मस्त है दोस्तों। आप लोग के उधर में खाते हो कि नहीं, देखिए यहाँ पर कितना सारा है ये वाला साग। इसमें इसको भी मिला देंगे दोस्तों ये वाला साग को, देखिए फूल हो गया है। पहले अच्छा था, अभी फूल पकड़ लिया, देखिए इतना सारा है यहाँ पे, उधर में भी है बहुत सारा। उधर से जाती हूँ दोस्तों, वहाँ पे देखिए कितना सारा है, बैठ के तोड़ूंगी। देखिए दोस्तों ये वाला साग बहुत ही टेस्टी लगता है, आप लोग के उधर में है कि नहीं बताइएगा कमेंट करके। इसको हम लोग इधर में भोथवा साग बोलते हैं, आप लोग का साइड में क्या बोलते हैं पता नहीं, भोथवा साग। ये बिक्री भी होता है बाज़ार में, जिसका यहाँ है वो तोड़ तोड़ के लेके जाते हैं ये वाला साग दोस्तों, बहुत ही बढ़िया है। देखिए एक एक बूदा में कितना सारा हुआ है, इसे तोड़ के लेके जाऊंगी इसको। और सूरज का किरण लग रहा है बहुत इधर में, पानी भी रात का जो ओस पानी बोलते हैं वो गिरा हुआ है, गीला गीला हो गया है दोस्तों, तोड़ने में थोड़ा मुश्किल होता है। मैं छोटा वाला बाल्टी को लेके आई हूँ, इसमें तोड़ के लेके जाऊंगी। अंदर में अच्छा है, थोड़ा देखती हूँ इधर में, देखिए कितना सारा हुआ है, ये बड़ा बड़ा वाला भी है, देखिए दोस्तों
फूल गया है, नहीं फूलने से और अच्छा लगता है। इतना सारा हुआ है, अब थोड़ा सा लेके जाऊंगी, हो जाएगा। बीच बीच में है ये देखिए, आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं पता नहीं, क्योंकि सूरज इधर से करने से अंधेरा दिख रहा है। थोड़ा सा लूंगी, हो जाएगा, मिला के कर ले। देखिए दोस्तों, इतना छोटा छोटा हुआ है, इसको हम तोड़ रहे हैं। ये बहुत बढ़िया है दोस्तों, हम इधर में है पता नहीं चला, आंटी जी ने आया और बताया कि उधर में जाओ, अच्छा है साग, अभी अभी निकला है। देखिए इस तरह का, उधर में बड़ा बड़ा था, फूल हो गया था दोस्तों, ये बड़ा छोटा छोटा है, पूरा मस्त है दोस्तों, पूरा साग ही साग है, जितना दिख रहा है वो पूरा साग है दोस्तों, पूरा छोटा छोटा, कितना छोटा छोटा अभी निकला है। देखिए इस तरह का, ये वाला अच्छा लगता है दोस्तों, पूरा छोटा छोटा वाला, बढ़िया बढ़िया इस तरह का, बहुत सारा इधर तोड़ के लेके गए हैं तो वहाँ से फिर से निकल रहा है दोस्तों। देखिए ये है इधर का भाजी, इसमें कुछ सार उर कुछ नहीं दिया गया है दोस्तों, ये अपने आप निकलता है, ये लोकल वाला साग बहुत ही निकला है इधर में। देखिए दोस्तों ये पूरा साग ही साग है, इतना छोटा छोटा है, तोड़ने में मुश्किल लगता है, ये पूरा तोड़ रही हूँ छोटा छोटा, लेकिन यही टेस्ट लगता है दोस्तों। अब इसको पूरा रेसिपी बनाऊँ, देखिए इतना सारा तोड़ दी, देखिए इधर में कितना है, इसको बैठ के तोड़ने से अच्छा लगता है दोस्तों। देखिए दोस्तों इतना सारा मैं साग पूरा कलेक्ट करके लाई हूँ बारिश से, 5-6 शिमला मिर्च भी तोड़ के लाई, उधर में कटा कटा था तो नहीं वीडियो नहीं बना पाई मैं। देखिए दोस्तों इतना सारा शिमला मिर्च तोड़ के लाई हूँ बारिश से, अभी फ्रेश ये साग तोड़ के लाई हूँ दोस्तों, सारे साग मिला के तोड़ के लाई, इसको हम लोग दाल का साग बोलते हैं, दाल साग, दाल पत्ता का जैसे होता है इसीलिए इसको दाल साग बोलते हैं, ये वाला ये भाजी साग बोलते हैं, और ये इसको हम लोग भथुआ साग बोलते हैं। सारे साग मिला के आज बनाऊंगी दोस्तों एक रेसिपी। देखिए आप लोग का साग उधर में होता है कि नहीं, ये वाला साग बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, दाल साग बोलते हैं हम लोग इसको, तो सारे साग मिला के लाई हूँ आज तोड़ के सुबह सुबह, इसका रेसिपी बनाऊँ। देखिए दोस्तों इतना सारा मस्त है दाल साग, अच्छा से देखा है दाल साग को, दाल साग बोलते हैं हम लोग इधर, आप लोग थोड़ा थोड़ा ये खट्टा खट्टा लगता है, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, ये हार्ट का बीमारी, शुगर, डायबिटीज़ के लिए बहुत बढ़िया है दोस्तों, इसको भी खाना चाहिए। आप लोग का साइड में खाते कि नहीं कॉमेंट करके बताइएगा। देखिए देखिए बहुत सारा है दाल का साग, सारे साग मिला के लाई हूँ दोस्तों आज बढ़िया से, दाल का साग और थोड़ा अच्छा से दिखाइए। हाँ देख ही लीजिए ना, इतना सारा है ये वाला, देखिए सारे साग मिला के लाई हूँ, इतना सारा हो जाएगा, जाग जाग के लाई पूरा दाल साग। देखिए भथुआ साग के दिखा, तो इसको हम दिखा दे रहे हैं, इसको पहले से दिखाए हैं, देखिए दोस्तों पूरा छोटा छोटा, वो साइड में बहुत सारा निकला था, पूरा सारे साग मिला के, देखिए इतना सारा तोड़ के लाई, छोटा सा बाल्टी में कितना पकड़ा है दोस्तों, देखिए ग्रीन साग, इसको पूरा साथ साथ अभी बना के खाएंगे, पूरा बढ़िया लगेगा। देखिए इतना सारा है साग, ज़्यादा होने से अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा ही बनाएंगे, अगर हरा के कैल करेंगे बनाएंगे। देखिए अभी दीजिए थंबनेल बनाएंगे इसका, अभी हम साग को अच्छा से धो रहे हैं, इसको धो के अच्छा से बनाएंगे दोस्तों, दो बार करके धो देंगे,
पूरा फ्रेश साग है, अभी ही पूरा तोल के लाई हूँ। देखिए हैं तो हम लोग इसको सुपा बोलते हैं, आप लोगों के साइड में क्या बोलते हैं? उड़िया में कुला बोलते हैं, सूप बोलते हैं इधर में लोकल लैंग्वेज में। आप लोगों के साइड में वो बम्बू का पेड़ का से बनाया जाता है। देखिए दोस्तों, इसको अच्छा से दो बार धो देंगे, पानी निकल जाएगा। ये बहुत टेस्टी होता है ना गायत्री जी? हाँ दोस्तों, यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है वो साग खाने से। क्या क्या साग का नाम बताइए? भाजी साग, भुतुआ साग, दाल साग। दाल साग, दाल साग बहुत फेमस होता है दोस्तों यहाँ पे। अच्छा, थोड़ा खटा खटा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे तीनों साग को मिला दिया है, मिला के उसको भूजेंगे दोस्तों, बहुत टेस्टी होता है दोस्तों। अगर आप लोग खाना चाहते तो यहाँ पे आके खा सकते हैं दोस्तों, बहुत टेस्टी होता है ना गायत्री जी? सुबह सुबह गायत्री जी ने जाके साग लेके आए हैं, मैं वहाँ पे पानी सब भर दिए हैं दुकान घर में। वो सुबह सुबह उठ के जाके बाड़ी में साग सब्जी लेके आए हैं। आज वो उसका न्यू रेसिपी बनने वाला है दोस्तों, देखिए कैसे प्रोसेस में बनाते हैं गायत्री जी। वीडियो में बना रहेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसको इस तरह का छोटा छोटा काट दे रहे हैं साग को। बारी में हम लोग अपने आप से निकलता है दोस्तों, इसको लगाना नहीं पड़ता है, साग को अपने आप निकल जाता है। अभी एक बार इस बार निकला, अगले साल फिर से निकलेगा इसमें। जब भी बारिश होगा तो निकलेगा, इधर में बारिश में पानी भी लगेगा तो निकलेगा साग। इसको खरीदना नहीं पड़ता है, इसको कुछ नहीं, उधर में पानी खाली जरूरत चाहिए, पानी जहीं से भी आया तो निकल जाएगा, या बारिश का पानी हो या कुछ पानी हो, अपने आप निकलता है। तनिक दिन से इतना इतना बांध रहे साग जोरी में, साग लाल हो गया। अभी मैं साग डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा दिख रहा है, सींच के थोड़ा सा कम हो जाएगा दोस्तों, ये सॉफ्ट हो जाता है, साग का पानी पूरा निकल जाएगा तो बहुत कम होगा। ये एक कढ़ाई दिख रहा है ना, ये बहुत से कम हो जाएगा। लोकल वाला ट्रेडिशनल वेजिटेबल ऑर्गेनिक, इसको बोलते हैं विलेज स्टाइल साग। ये विलेज में ही ये साग ज़्यादा मिलता है, सिटी शहर में नहीं मिलता है, ये हम लोग का गांव में ही अपने आप निकलता है ये साग सब। इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है, ना सार ना केमिकल कुछ नहीं। देखिए दोस्तों, अभी टमाटर डाल रही हूँ। देखिए दोस्तों, हम लोग का साग रेडी हो गया है बन के, अभी खाने का लायक हो गया है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया है। देसी ऑर्गेनिक वेजिटेबल, जिसको बोलते हैं लोकल वाला विलेज स्टाइल, मैं आज रेसिपी भी बनाई हूँ दोस्तों, देखिए बहुत ही बढ़िया है दोस्तों।